नमस्कार, पत्रिका न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अदिति मोटे, आइए नजर डालते हैं इंदौर की प्रमुख खबरों पर। मासूम नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने किया था थाने का घेराव। सहेली को अश्लील मैसेज भेजने वाली लड़की पर पुलिस की कार्रवाई। पिता के साथ मिलकर की अपनी ही सहेलियों के साथ मारपीट। रंगपंचमी पर इंदौर में कई आपराधिक वारदातें। मल्हारगंज में बदमाशों का प्रकोप। संविदा कर्मी 17 दिन से धरने पर, मांगों को लेकर भविष्य में कर सकते हैं उग्र प्रदर्शन। क्राइम ब्रांच इंदौर को हाथ लगी बड़ी सफलता। कई अपराध में लिप्त 6 बदमाश गिरफ्तार। मंगलवार सुबह कटरा से इंदौर आ रही मालवा एक्सप्रेस में यात्रियों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ा। दरअसल रेलवे ने इसके लिए एक निजी कंपनी को ठेका भी दिया है, लेकिन कोई भी कर्मचारी वहां पर सफाई करता हुआ नजर नहीं आया। सफर कर रहे यात्रियों के अनुसार ट्रेन में OBSH के कर्मचारी ही नहीं है, इसलिए सफाई करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मजबूरी में यात्रियों ने डिस्पोजल आइटम बाथरूम के सामने ही फेंक दिए हैं, क्योंकि यहां रखा डस्टबिन भी अब भर चुका है। नाश्ता कर लो भैया, गरम नाश्ता। जानकारी के अनुसार इंदौर आने जाने वाली 10 से अधिक ट्रेनों की सफाई के लिए रेलवे ने 2 एजेंसीज को करोड़ों रुपए का ठेका दिया है, जिसमें एक है प्रथम एजेंसी। इस एजेंसी को 3 साल के लिए 3 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका दिया गया है। एजेंसी को मालवा एक्सप्रेस, क्षिप्रा एक्सप्रेस, पटना एक्सप्रेस, यशवंतपुर आदि में आते जाते समय सफाई करना होती है। इसी तरह से दूसरी एजेंसी कामथैन है, इसे भी रेलवे ने 3 साल के लिए 3 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका दे रखा है। इस एजेंसी के पास पुणे एक्सप्रेस, मालवा साप्ताहिक, चंडीगढ़ एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, उदयपुर एक्सप्रेस और कोच्चिवेली आदि ट्रेनों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये दोनों ही एजेंसीज अपनी मनमानी से काम कर रही है, जिसके कारण ट्रेनों में सफाई नहीं हो पा रही। रंग पंचमी का रंग कुछ बदमाशों के कारण फीका हो गया। धीरज नगर में कुछ बाइक सवार युवकों ने राह चलते लोगों पर चाकुओं से हमला किया और भाग निकले। इनकी हरकत CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस के अनुसार दीपक सेंगर पिता शोभाराम सिंह निवासी धीरज नगर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। दीपक घर के बाहर होली खेल रहा था, इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश उसके पास से निकले। वह कुछ समझ पाता इसके पहले ही बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद दीपक के चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इसी के चलते उसे हमले का कारण अब तक समझ नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ ही दूरी पर आगे जाकर इन्हीं बदमाशों ने एक बाइक सवार पर भी चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग निकले। आरोपियों की ये कारगुजारी पास में ही लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद बदमाश पटेल नगर पहुंचे, वहां पर एक महिला पर भी उन्होंने फिर से धारदार हथियार से हमला किया। बीती रात शास्त्री ब्रिज पर एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसके साथी उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। राहगीरों ने परिजनों को सूचना देने के लिए उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक कटार मिली। घायल को कुछ युवक MY अस्पताल लेकर पहुंचे और उन्होंने बताया कि कल रात को युवक घायल हालत में शास्त्री ब्रिज पर पड़ा हुआ था। उसके सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हुई थी। उसके पूरे शरीर पर कटने के निशान भी मिले हैं। युवक ने बताया कि हादसा होते ही उसके साथी वहां से भाग निकले। कुछ लोगों ने उसे सड़क से उठाकर फुटपाथ पर बैठा दिया और उन्होंने उसकी गंभीर हालत को देखा और परिजनों को सूचना देने के लिए फोन नंबर के लिए उसकी तलाशी ली। युवक के पास एक कटार मिली है। घायल का नाम अमित बताया जा रहा है और उसका उपचार फिलहाल MY अस्पताल में चल रहा है। इंदौर में रंग पंचमी का त्योहार बड़े शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया, लेकिन रात में बदमाशों ने अपना कारनामा दिखा ही दिया। घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने देर रात लोगों की गाड़ियों पर पत्थर फेंक कर उसके शीशे तोड़ दिए।
इंदौर शहर में रंगपंचमी पर दिनभर तो पुलिस की सख्ती के चलते बदमाशों पर कड़ी नजर रही, लेकिन मंगलवार देर रात बदमाशों ने अपना कारनामा कर दिखाया और क्षेत्र में कई कारों के कांच फोड़ दिए। मामला जनता कॉलोनी का है। यहां रात में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच फूटने की घटना सामने आई है। क्षेत्र के लोग दिन भर त्योहार मनाकर गहरी नींद में थे, तभी अचानक गाड़ियों के कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। तुरंत लोग अपने घरों से बाहर आए तो देखा उनकी कारों के कांच फूटे पड़े थे। वहीं बड़े बड़े पत्थर गाड़ियों के पास पड़े हुए थे और ये पूरी वारदात जनता कॉलोनी के मेन रोड पर घटित हुई है। घटना की जानकारी रहवासियों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी। रहवासियों ने अल सुबह ही थाने पहुंचकर इसका मामला दर्ज कराया है। रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में उत्पात मचाने वालों द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गाड़ियों के कांच फूटने की आवाज आई, वैसे ही कुछ मोहल्ले के लोगों ने उठाया हमें। हमने देखा कि गाड़ियों के कांच फूटे हुए थे, उसके कुछ पर दिया थी। पुलिस आ गई थी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही। मामले में मल्हारगंज पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में बच्चियों के साथ दरिंदगी करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रंगपंचमी यानी मंगलवार को एक और जहां शहर रंगों के साथ उत्सव मना रहा था, वहीं एक युवक ने अपनी वहशी मानसिकता के चलते एक 6 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने का प्रयास किया। बच्ची ने जब पूरी घटना अपनी माँ को बताई तब आक्रोशित लोगों ने विजयनगर थाना क्षेत्र का घेराव किया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के रामनगर इलाके में रहने वाली एक मासूम के साथ पास ही के रहने वाले व्यक्ति ने घिनौनी हरकत की है। आरोपी की घिनौनी हरकत मासूम ने ही अपनी मां को बताई। इसके अलावा मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को और रिश्तेदारों को लगी तो परिजनों ने आरोपी के साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। आरोपी एक बड़े होटल में कर्मचारी है। वहीं सूत्रों की माने तो कुछ समय पूर्व भी आरोपी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर चुका था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया और उसके बाद आरोपी ने एक बार फिर नाबालिग को अपना निशाना बनाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। किससे पूछा किस क्या हुआ क्या नहीं, तो बोले उसके मम्मी पापा ने बताया। मम्मी पापा ने बताया तो ये पूछा कि मम्मी पापा को किससे पता चला, तो बोले बच्चे ने बताया। तो बच्चे ने बताया कि मेरे साथ कल ऐसा हुआ। अब ऐसा हुआ था वो कल शायद बच्चे घर वाले डर गए, कुछ बताया नहीं हुआ, कुछ माहौल हो गया। तो अभी उससे पूछा था कि भाई तो खाली करा देंगे, क्या पूछा था करके। अब उस समय तो क्या है कि होली का माहौल है, अब उसको बाहर निकलने घर वालों को पता चल गया, पिताजी थोड़े पिए थे तो वो माहौल हो गया, थोड़ा सबको पता चल गया, तो उसको अंदर बंद रखा ताकि बाहर निकाले तो कुछ कम ज्यादा नहीं हो जाए। उसको लग लुगा ने जा कोई मारे करे नहीं, इसलिए उसको बंद करा। दो एक घंटा उसको बोल दिया था कि भैया पुलिस वालों को बुला लेना, जो कायम है जो करना है यहाँ लाके बुला लेना, बातचीत कर लेना। पहले भी इसने कुछ तरह की हरकत, पहले लड़की बता रही ऐसी की हरकत करी थी, जैसे अभी पहले का लड़की बता नहीं पाई थी, लेकिन अभी उसकी मम्मी ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा था स्कूल के बारे में, बेड वगैरह कुछ का, तो लड़की ने बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा अंकल करते थे। जो आरोपी है वो कहाँ रहता है और क्या करता है? आरोपी किराएदार है, बाहर के किराएदार है वो। बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंचे परिजनों को पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और जांच भी शुरू कर दी गई है। रामनगर गली नंबर 4 में सूचना मिली थी कि एक बच्ची के साथ किसी प्रकार की अश्लील हरकत हुई है। उनके गार्जियन का ऐसा कहना था, जो यहाँ पे उन्होंने आकर सूचना दी कि उनकी बच्ची के साथ उन्हीं के रहने वाले किराएदार, जिसका कि नाम उनने कृष्णपाल परमार बताया था, उसने कुछ अश्लील हरकत की है, ऐसी जानकारी दी है, जिस पर कि उसे रिपोर्ट लिखकर उसका मेडिकल बच्ची का कराया जा रहा है और जैसी सूरत होगी आगे कार्रवाई की जाएगी, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, आए थे उनके सहयोग के लिए आए थे। वो एक्चुअली महिला जो थी वो थोड़ा सा नर्वस थी, वो रिपोर्ट कराने के उसमें नहीं थी, किंतु उनको लेके आए थे। इस पूरे मामले में विजयनगर पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जिस तरह से आरोपी पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है, लेकिन समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आरोपी के हौसले इतने बुलंद नहीं होते।
इंदौर में भवरकुआ थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मोबाइल पर मैसेज भेजने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट तक हो गई। पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कर ली है। मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र के विद्यानगर का है। यहां रहने वाली एक लड़की ने अपनी ही सहेली के मोबाइल पर लगातार अश्लील मैसेज भेजना शुरू किए, जिसको लेकर सहेली ने आपत्ति दर्ज की। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और सोमवार रात दोनों पक्ष समझौते के लिए मिले, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। पीड़ित युवतियों के आरोप हैं कि मैसेज भेजने वाली लड़की के पिता ने भी उनके साथ मारपीट की है, और जब रिपोर्ट दर्ज करवाने वो थाने आए तो पुलिस ने भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। फ्रेंड सर्कल है, सबको इतने गंदे गंदे मैसेजेस कर रही है और हमारे पास सारे प्रूफ है सारे मैसेजेस के। तो उसने आज उनको कॉल किया, आज हम उसकी FIR करने ही जा रहे थे, हम FIR करने ही आ रहे थे उसकी, पर उसने कॉल करके बोला कि नहीं तुम लोग मुझसे मिलना हो, मेरे पापा से बात कर लो, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो मेरे फोन में दिखा दूं। उसके बाद हम गए, इसके पापा ने हम लोग ऊपर गए, गेट लॉक कर लिया सबसे पहले, तो ये आई इसने मेरे बाल पकड़े, सबसे पहले इसको मारा इसके पापा ने, गला दबा के इसको बोला मेरी बेटी से, तो बोले कि मेरी बेटी से, इसकी मम्मी ने कुछ नहीं करा, उनका हम नाम ले भी नहीं रहे। इतनी गंदी तरीके से वो अंकल ने मेरा सूट फाड़ दिया, इसमें मैंने ऑल पिन लगा रखी है, और है ना लातों से मारा इसको, मुझे इसकी गर्दन देखिए आप कितनी ज्यादा स्वेलिंग हो रही है पूरी, और हम बचाव करने गए तो उसको नाखून लग गए, वो नाखून दिखा, इतनी गंदी, इतने गंदे बाप है ऐसा बाप। कैसे आपकी दोस्ती है इनसे, कैसे आप इनको जानते हैं? ये मेरी नॉट माय नेबर थी, मेरी नेबर थी, इसकी फ्रेंड थी वो, उसे मैं शॉर्ट आउट करने के लिए लेके गई थी, इसी का फोन आया था, मैं तो कंप्लेंट करने आ रही थी, मैंने बोला हम जो भी है कानूनन करते ज्यादा। वहीं दूसरा पक्ष भी थाने रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा, जिसने खुद लड़कियों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। पहली थी जो हमारे पास की बिल्डिंग में रहती थी, और वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, वो अंजय बलवानी की कहीं की रहने वाली है, और यहाँ पे उसका कोई पता ठिकाना नहीं कि वो कहाँ रहती है, समझे, सिर्फ ये सिर्फ घूमने वाले काम है उनका, तो वो इस टाइप की है, और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, और मैं आया जरूर बाहर, लेकिन ये जो इन्होंने चिल्ला जो लड़की होने का जो बहाना किया कि मुझ पे हाथ उठाया, ये सरासर गलत है सर। बस मैं आपका यही ये इनके आपस में कुछ लड़ाई हो रही थी, वो मेरे को ये मालूम नहीं क्या है, ये क्योंकि इनकी दोस्ती थी, दोस्ती में और बच्चे दोस्ती में क्या बातें कर रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, ये सिर्फ ये है कि बच्ची के गिरने की आवाज़ आई तो मैं आया, और फिर मैंने इन दोनों लड़कियों ने बच्ची के पैर पे काटा भी, मेरी बच्ची के पैर को गिरा के काटा भी, और मैंने सिर्फ बाल छुड़वाया कि बच्ची के पूरे बाल नहीं खींच लिया, बस मेरा ये कसूर है कि मैंने इतना किया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सामने ये आया है कि दो लड़कियां, एक का नाम है आयुषी और एक दिव्यांगी, आयुषी नाम की लड़की यहाँ विद्यानगर में नैना नाम की लड़की से पहले दोस्ती थी, इनका दोस्ती में कोई विवाद हो गया, उसी बात को लेकर इनका कुछ भी बातचीत होगी। आज नैना ने इनको फोन लगाया 10:15 पर कि फालतू बातें मत करा करो, आओ बैठ कर समझ लो। आज इनके घर पर आए और इन लोगों में कहा सुनी हो गई, घुमा झटकी हो गई लड़कियों में, जो कुछ भी हो उसने बोली नहीं, उनके पिताजी भी गाली गलौज किए, मारपीट किए और रिपोर्ट किया, जैसी रिपोर्ट लिखाई वैसी रिपोर्ट लिखा। सर क्या आपने अश्लील मैसेज भी भेजे थे ऐसा कुछ आरोप है? अश्लील मैसेज के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जो जानकारी जो लिखाई है उसने ये लिखाई कि ये दोनों दोस्त थे और ये दोनों के आपसी कुछ विवाद हो गए थे, क्या विवाद हुआ था ये अभी तक खुला। जहां एक और लाखों की तादाद में इंदौरी रंगपंचमी की पारंपरिक गैर में हिस्सा लेने पहुंचे, वहीं दूसरी ओर नगर निगम कर्मचारियों ने देर रात सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए मोर्चा संभाला। रंगपंचमी का उत्साह हमारे इंदौर में होली से ज्यादा होता है। इस दिन पूरा शहर रंगों से सराबोर होकर खुश था और शाम ढलते ही सभी अपने अपने घरों में थकान उतार रहे थे। इस वक्त इंदौर नगर निगम के वो कर्मचारी जिनके कंधों पर इंदौर को नंबर वन रखने की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर शहर की स्वच्छता का दारोमदार है, वे किसी त्यौहार की या थकान की परवाह किए बगैर सड़कों की सफाई में जुट गए। इंदौर यूं ही सड़क स्वच्छता में देश भर में सबसे स्वच्छ शहर नहीं बना, ये निगम कर्मियों की कड़ी मेहनत और उनके त्याग का ही परिणाम है।
मल्हारगंज पुलिस ने एक बड़ी वारदात को होने से बचा लिया है। दरअसल देर रात कुछ शराबी शराब पीकर पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में देर रात शराब के नशे में उत्पात मचाने और वाहनों के कांच फोड़ने के बाद पेट्रोल पंप की डकैती की साजिश रचते हुए बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इन बदमाशों के पास से धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। सुबह मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि पिलिया खाल की पुलिया के वहाँ पर कुछ बदमाश डकैती डालने की योजना बना रहे हैं पेट्रोल पंप पे। तो दो टीम के माध्यम से हमारे द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 5 आरोपी के बारे में सूचना मिली थी, जिसमें हमने 4 आरोपियों को पकड़ा मौके से। उनके पास से घातक हथियार बरामद हुए हैं, तलवार चाकू, और सभी पुराने रिकॉर्डेड हैं। उनके खिलाफ 399/4/2 IPC की कार्रवाई की गई है। पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा नशे में कुछ गाड़ियां भी रात्रि में जनता कॉलोनी में फोड़ी गई है, उसमें भी एक अलग से अपराध कायम करके और गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस अब इनसे आगे की पूछताछ में जुटी है। इनसे और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। प्रदेश में चल रही संविदा कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कर्मचारियों ने हड़ताल कर प्रशासन के खिलाफ काफी नारेबाजी की। आज भी इंदौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी 17 दिनों से चल रही हड़ताल को जारी रखा है। आज हड़ताल कर रहे कर्मचारी भारी संख्या में पहुंचे और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे प्रदर्शन अब एक बड़े रूप में करेंगे और जो सरकार को काफी महंगा पड़ सकता है। इंदौर में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने कई कपड़ों की दुकानों के ताले तोड़ दिए। जुनिंदौर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि रंगपंचमी के दिन बंद पड़े मार्केट का फायदा उठाकर बदमाशों ने कई दुकानों के ताले तोड़ दिए। इस घटना से गुस्साए व्यापारियों ने देर रात ही जुनिंदौर थाने का घेराव किया। उनका आरोप था कि पुलिस ने जब सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद अपने कंधों पर ली थी तो ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में बदमाश आखिर कैसे सफल हुए। वैसे ये पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। इंदौर में क्राइम ब्रांच को एक नई सफलता हाथ लगी है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने माल से भरे ट्रक को लूटने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने किशनगंज में ड्राइवर से मारपीट कर ट्रक का सारा सामान लूट लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने रायसेन से 2011 में ट्रक ड्राइवर की हत्या कर लूट की वारदात भी कबूली है। इसके अलावा आरोपियों ने नरसिंहपुर और देवास में भी लूट की वारदात को अंजाम देना कबूला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें मुख्य तौर पे 6 लोगों को पकड़ा गया है और इन 6 लोगों को जब पूछताछ की गई थी तो इसमें कई ऐसे चौंकाने वाले मामले आए, कई ऐसे मामले आए हैं जो कि 6 से 7 साल पुराने मामलों का खुलासा करते हैं। इन लोगों से पूछताछ से पता चला कि 2011 में इन लोगों ने एक रायसेन में लूट की थी और लूट के साथ उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया था। यह जो गैंग है मुख्य तौर पे एक ट्रक काटने वाला गैंग है और पुराने जो कुछ गैंग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ में इस मामले का भी खुलासा हुआ है। इसमें मुख्य तौर पे इनकी जो मॉडल ऑफ ट्रेंडिंग थी इसमें 5 से 6 लोग हैं, जो कि 6 लोग अभी पकड़े जा चुके हैं। ये लोग मुख्य तौर पे जो ट्रक से भरे हुए सामान लेकर के जो ड्राइवर जाते थे उन वाहनों को रोकते थे, उनको हाथ पैर बांध करके कहीं आसपास के गड्ढे में डाल देते थे और उसके बाद पूरा ट्रक को लूट करके गायब हो जाते थे। अभी जो मामले इनसे पता चले हैं उसमें एक व्यक्ति का ज़्यादा प्रतिरोध करने के कारण 2011 में इन्होंने उसकी जान ही ले ली थी और सामान को लूट लिया था। इसके विरुद्ध 2011 में रायसेन जिले में प्रकरण भी पंजीबद्ध है, जिसकी जानकारी हो गई है और उनके परिजनों से भी संपर्क पुलिस का हो गया है। संबंधित रायसेन जिले को भी इसकी सूचना दे दी गई है। इसके बाद 2015 में किशनगंज का एक बड़ा मामला है जिसमें लूट का मामला है और काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें सामान लूटा गया था, अभी तक वो पेंडिंग था। और न सिर्फ लूटा गया बल्कि ड्राइवर को जब पता चला था तब ड्राइवर गड्ढे में पड़ा हुआ था, हाथ पैर ड्राइवर और कंडक्टर के बंधे हुए थे और उनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई घरेलू सामान जो पूरे ट्रक भरा हुआ था, किराने का भी सामान था कुछ, वो सारी चीज़ें उसमें पड़ी हुई थी जो कुछ सामान उसमें से जब्त भी हुआ। इसके अलावा देवास जिले का एक बड़ा मामला है जो कि 394 का मामला है।
और 394 में उसमें भी इसी तरह से ट्रक को करके उसकी पिटाई करके उसको बांध करके और उसको लूटा गया है, उसकी भी FIR जवाब जिले से प्राप्त की गई है। इसके अलावा एक राजगढ़ जिले की एक जानकारी मिली है जिसमें कि वहां भी इसी तरीके की एक ट्रक लूटने की घटना हुई थी, उस पूरे मामले की भी जानकारी निकाली गई है। एक नरसिंहपुर जिले की एक मामला हुआ था। अंतिम रूप से इन्होंने एक और मामले की पुष्टि की है जो भोपाल जिले की है, लेकिन उसकी अभी जानकारी निकाली जा रही है जिसमें उन्होंने इसी तरह का ट्रक लूटना 4 साल पहले का बताया है। इस तरह पूरे गैंग से लगभग 7 साल पुराना एक मर्डर, लगभग 4 से 5 साल पुराने और 2 लूटे और 3 साल पुराना किशनगंज का 2015 का लूट जिसमें काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाई गई, ये सारे मामले के खुलासे हुए हैं। मुख्य तौर पर इसमें जो 6 लोग पकड़े गए हैं इनका बहुत ही बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसमें एक जो व्यक्ति है उसके 15 उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है लूट और आसपास के बड़े मामलों को करने का। इसके अलावा मुख्य तौर पर इनके जो सहयोगी हैं लगभग 5 सहयोगी हैं जो अलग अलग जगहों के हैं उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों में नवल सिंह निवासी हीरानगर, राजेश पटेल निवासी सांवेर, सुनील चौधरी निवासी देवास, सिंगाराम पटेल निवासी सांवेर, मुकेश पुरी निवासी इंदौर और राजेश गिरी निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कई अन्य वारदातें भी कबूली हैं और आगे पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। रंगपंचमी पर हुड़दंग कर रहे बदमाशों को रोकने पहुंचे एक व्यक्ति पर बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया। युवक के चेहरे और शरीर पर कई घाव के निशान मिले हैं। मामला इंदौर के MIG थाना क्षेत्र का है। यहां एक युवक को बदमाशों ने ब्लेड से वार करके घायल कर दिया। दरअसल बदमाश रंगपंचमी पर रास्ते में हुड़दंग कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए युवक उन्हें समझाइश देने पहुंचा था। उन्हें रोकने पर बदमाश विफर गए और ब्लेड निकाल कर उन्होंने युवक पर हमला कर दिया। फिलहाल युवक घायल है जिसका उपचार अस्पताल में जारी है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पत्रिका TV। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।